मुंबई के बांद्रा इलाके में स्टेशन के पास कल हजारों की भीड़ जमा हो गई। इन मजदूरों का कहना था कि न तो उन्हें खाने मिल रहा है, न उन्हें मजदूरी मिल रही है, न रोजगार मिल रहा है, उन्हें अपना घर जाना है, अपने गांव जाना है। ऐसे मजदूरों पर सरकार द्वारा, पुलिस प्रशासन द्वारा लाठीचार्ज किया गया। करीब 30 के करीब मजदूरों को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया और उन पर केस दर्ज किए गए। इसके बारे में बहुत सारे बातें की जा रही हैं। कुछ मीडिया चैनलों ने उन्हें गुमराह करके वहां पर पहुंचाया था, कुछ लोगों ने साजिश रची थी ये सरकार के खिलाफ। ऐसे बहुत सारे स्टोरी है वो बनाई जा रही है, बहुत सारी बातें की जा रही हैं। कुछ साजिश के तहत ये मजदूरों को वहां पर लाया गया था। लेकिन क्या इसके पीछे सवाल उठता है कि महाराष्ट्र में मजदूरों को खाने की, रहने की और उनको मिनिमम वेज की सुविधा मिल रही है? महाराष्ट्र जो बहुत ही प्रोग्रेसिव राज्य माना जाता है पूरे देश में, बंबई नगरी जो आर्थिक राजधानी मानी जाती है, वहाँ पर मजदूरों की यह हालत क्यों हुई है? बहुत सारे हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में मजदूर छोटे छोटे घरों में बंद पड़े हुए हैं, छोटे छोटे कारखानों में बंद पड़े हुए हैं, जहाँ पर कोई आमदनी उनकी नहीं हो रही है, उनका मालिक भी उन्हें पैसे नहीं दे रहा है और उनके भूखे रहने के दिन आ गए हैं। वो इंतज़ार कर रहे थे कि कभी लॉकडाउन ख़त्म होगा और वो कब अपने गांव जा सकते हैं। गांव में गए तो उन्हें कम से कम खाने पीने के लिए, रोजी रोटी का तो ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, उनका पेट तो भर जाएगा। लेकिन यहाँ बम्बई में रहकर, इस हालत में रहकर उनका पेट नहीं भरने वाला। तो हमने बहुत सारे मजदूरों से बात की, उनका कहना है कि सरकार ने हमें जाने का मौका दिया होता और उसके बाद बंदी की होती, उसके बाद लॉकडाउन किया होता तो हम अपने घर में जाकर रह सकते थे। जो अलग अलग इंडस्ट्री है, गारमेंट इंडस्ट्री है, अलग अलग इंडस्ट्री है, उनके मालिकों ने बताया कि अगर ये कुछ पता होता तो हम अपना पेमेंट ले सकते थे, मजदूरों को दे सकते थे, जो माल पड़ा हुआ है बनकर उसको हम सप्लाई कर सकते थे, कुछ पैसा आ सकता था। लेकिन ये कुछ भी करने नहीं दिया गया, कोई मौका मजदूरों को नहीं दिया गया ताकि वो अपने आप को संभाल सके। ऐसे हालात बनाने के बाद, जबकि सरकार के पास ऐसा नहीं था कि समय नहीं था, सरकार ने ये बंदी किस तरह से लाई? उसके दो दिन पहले तक मध्य प्रदेश की सरकार गिरा कर नई सरकार बनाई जा रही थी, उसके एक दिन पहले तक लोकसभा का सेशन चालू था और ये कोरोना वायरस का जो हमला है वो पिछले 1-1.5 महीने से भारत में था। इतना सब होते हुए भी ये अचानक एक दिन प्रधानमंत्री आते हैं और लॉकडाउन की घोषणा हो जाती है, ये लोगों के साथ खिलवाड़ है। जो पैसे वाले हैं उन्होंने तो अपना बंदोबस्त कर लिया है, लेकिन इन मजदूरों को, इन गरीबों के बारे में किसी ने भी सोचा नहीं। सरकार का सबसे पहला कर्तव्य था कि इन गरीबों और मजदूरों के बारे में सोचता, लेकिन सरकार ने ऐसा किया नहीं। अब क्या हालत है? ये मजदूर जो हैं घरों में बंद हैं, ये मजदूर जो हैं रास्ते पर रहने के लिए मजबूर हैं, ये मजदूर जो हैं भूखे मरने के लिए मजबूर हैं, जिनका परिवार यहाँ नहीं रहता है उनके तो बहुत ही हालत ख़राब है, लेकिन जिनका परिवार यहाँ पर रहता है तो एक छोटे से 8x10 के खोली में, 8x8 की खोली में वो किस तरह से रह रहे हैं? बस्ती के अंदर उन्हें दबोच कर रखा गया है और वहाँ पर उनको मूल भी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है। टॉयलेट करने के लिए भी वो जब घर से बाहर निकलते हैं तो उन पर पुलिस का डंडा चलता है। और ऐसे ये बंदी का मतलब क्या है जब आप लोगों को इस तरह से बंद करके रखोगे? मुख्यमंत्री के हमने बहुत बार भाषण सुना, वो क्या कहते हैं कि मानवता के नाते सब मालिकों को अपने मजदूरों को मजदूरी देनी चाहिए, मिनिमम वेज देना चाहिए। ये बात आपकी सही है, लेकिन सरकार जब छोटे छोटे गारमेंट इंडस्ट्री के मालिक हैं, छोटे छोटे मालिक हैं जो छोटा छोटा काम करा के, उनके पास ही पैसा नहीं है, उनका माल ही नहीं गया है, उनका ऑर्डर ही गया नहीं है, और जिनके पास वो माल देते हैं वो खुद लोग चले गए हैं, पूरा इंडस्ट्री का सर्कुलेशन ख़त्म हो गया है, तो वो मजदूरों को भी क्या देंगे? ये जवाबदारी जो है, अगर सरकार ने इस तरह के निर्णय लिए हैं तो ये मजदूरों को देखने की, उनकी देखभाल करने की जवाबदारी जो है इस सरकार, महाराष्ट्र सरकार पर है। इसी तरह से मजदूर जो है दिल्ली में बाहर आए, इसी तरह से मजदूर जो है नोएडा में बाहर आए, इसी तरह से मजदूर जो है गुजरात में, सूरत में बाहर आए, इसी तरह से मुंबई में भी बाहर आए। तो इसको कॉन्स्पिरेसी और ये
बनाकर या किसी एक टीवी चैनल पर उसका ठीकरा फोड़कर ये चलने वाला नहीं है। इसकी जवाबदारी सीधी तरह से महाराष्ट्र सरकार पर है, क्योंकि आप देखेंगे कि राशन पर भी अभी तक अनाज उपलब्ध नहीं है। राशन पर बोर्ड लगा दिया गया है कि अभी तक केंद्र सरकार का फ्री का अनाज नहीं आया है, और फ्री का अनाज और केंद्र सरकार बोलती है कि हमारा अनाज पहुंच गया है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रही है, और महाराष्ट्र सरकार का भी अनाज नहीं आया है। बोलने के लिए वो बोलते हैं कि राशन कार्ड के बगैर अनाज मिलेगा, लेकिन जिनका राशन कार्ड है उनको भी अनाज नहीं मिल रहा है। लोगों को किसी भी तरह से सैनिटाइजर, किसी तरह से मास्क या किसी तरह का उनका ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग नहीं हो रही है। पहले से जिस हालत में थे उससे ज़्यादा खराब स्थिति में लोग पहुंच गए हैं। तो ये महाराष्ट्र सरकार की जवाबदारी थी, लेकिन कहीं पे भी महाराष्ट्र सरकार ने अपनी जवाबदारी नहीं निभाई। तो हमारा यही कहना है कि ये पूरी की पूरी जवाबदारी महाराष्ट्र सरकार की बनती है कि यहाँ पर जितने भी मजदूर हैं, जितने भी गरीब हैं, इनकी जवाबदारी लेकर उन्हें भोजन की व्यवस्था, मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था और मिनिमम वेज की व्यवस्था करना इस महाराष्ट्र सरकार का कर्तव्य है, और आज तक ये महाराष्ट्र सरकार अपने कर्तव्य निभाने में पूरी तरह से नाकाम रही है। हमारी तो मांग है कि बांद्रा में जिस भी मजदूरों पर को अरेस्ट किया गया है, मजदूर लीडर को अरेस्ट किया गया है, उनको तुरंत रिहा किया जाए, उनके ऊपर लगाए गए केस तुरंत वापस लिए जाए, उन मजदूरों का पूरी तरह से रिहैबिलिटेशन किया जाए, उनको मिनिमम वेज दिया जाए, उनके खाने की और रहने की उचित व्यवस्था की जाए, और अगर ये नहीं हो सकता है तो उनको पूरे रिस्पेक्ट के साथ उनका अरेंजमेंट करके, उनका जांच करा के उनको उनके घर तक, उनके गांव तक पहुंचाया जाए। ये काम महाराष्ट्र सरकार को करना होगा।